तो इन सब सियासी गहमा गहमी के बीच इंटर के छात्र अलग हंगामा करते नजर आए हैं। बिहार के जेडीयू प्रदेश कार्यालय और बीजेपी कार्यालय के बाहर इंटरमीडिएट के छात्रों ने जमकर प्रदर्शन किया है। उग्र प्रदर्शन को लेकर आरजेडी ने भी प्रतिक्रिया दी है और इस पर भी सियासत तेज हो गई है कि आखिर अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्हें जस्टिस चाहिए, ना रीएडमिशन हो रहा है ना परीक्षा हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो बीजेपी का दफ्तर घेरने पहुंच गए, सम्राट चौधरी का घेराव किया, सम्राट चौधरी अपनी गाड़ी से उतरकर किसी तरह अपने दफ्तर पहुंचे, लेकिन अब सवाल ये है कि इनकी समस्याओं का समाधान कैसे होगा। आप टीवी स्क्रीन पे देख सकते हैं, छात्र लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और उन्हें कहीं ना कहीं बीजेपी से उम्मीद थी, वो आरजेडी के पास भी पहुंचे, बीजेपी के पास भी पहुंचे और बीजेपी दफ्तर का सैकड़ों की संख्या में घेराव भी कर दिया। अब सवाल ये है कि आखिर समाधान क्या होगा और क्या सरकार इनके लिए कुछ जल्द से जल्द ठोस पहल करेगी, क्योंकि चुनाव का वक्त है और ऐसे में इस तरह से यह हंगामा और बढ़ता है तो सरकार के लिए मुश्किलें पेश आएंगी। गौतम हमारे साथ है। गौतम, क्या कह रहे थे उग्र छात्र, क्योंकि काफी देर तक यह हंगामा दिन भर चलता रहा। बिल्कुल, ये तमाम ऐसे छात्र थे जो शायद पहले कभी आंदोलन नहीं किए थे और बिल्कुल कह सकते हैं कि एक शुरुआत हुई और ये 11वीं के छात्र हैं, मतलब 10th पास करने के बाद 11वीं में पहुंचना और उसके बाद इस तरीके का आंदोलन करना, तो कहीं ना कहीं से आंदोलन के पीछे कोई ना कोई बड़ा हाथ जरूर था, क्योंकि 3.5 घंटे तक राजधानी पटना के बीरचंद पटेल पथ पर जिस तरह से तमाम छात्रों ने, खासकर छात्राओं ने आज प्रदर्शन किया है, यह अपने आप में एक बड़ा ही कह सकते हैं कि एक बड़ा आंदोलन बन गया और 3.5 घंटे तक पटना पुलिस के लिए फजीहत बनी रही यह प्रदर्शन। इस दौरान 3.5 घंटे तक पूरी तरह से राजधानी पटना का आवागमन ट्रैफिक सिस्टम ध्वस्त हो गया और ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि बीरचंद पटेल पथ पर जेडीयू का दफ्तर है, आरजेडी का दफ्तर है और बीजेपी का दफ्तर है, जिसमें जेडीयू और बीजेपी सरकार में शामिल है और शिक्षा मंत्री के तौर पर ये नाराज़गी जाहिर हुई थी, क्योंकि हाल के दिनों में ये फरमान जारी किया गया था जिसमें ये कहा गया था कि अब कॉलेजों में इंटर की पढ़ाई बंद कर दी जाएगी और ये पढ़ाई अब स्कूल में ही होगी, यानी 10+2 अब आपको स्कूल में ही करना होगा। तो वैसे छात्र जो पिछले 2 सालों से जो या कह सकते हैं 1 साल, क्योंकि दो सालों का सेशन होता है और ऐसे में जो 24 चल रहा है, तो 22 से 24 के जो छात्र थे वो तो क्वालिफाई करने के बिल्कुल दरवाजे पर हैं, लेकिन उनको भी ये कहा जा रहा है कि अब आप प्लस टू के स्कूल में जाके अब आप फॉर्म भरिए, वहाँ से आपकी परीक्षाएं ली जाएगी। 11वीं के छात्र को ये कहा जा रहा है कि अब आप स्कूल की तरफ जाइए, अब आपकी पढ़ाई यहाँ बंद होने वाली है, बंद हो गई है। तो ऐसे में लाखों ऐसे छात्र हैं जो 10th के बाद प्लस टू के लिए, इंटर के लिए, इंटरमीडिएट के लिए अलग अलग संकाय में, चाहे वो विज्ञान हो, गणित हो या वाणिज्य हो, इन तीनों संकाय में इंटर लेवल पे विषय का चयन करके कॉलेज में जाते हैं और कॉलेज में ही पढ़ाई शुरू होती है। लेकिन शिक्षा विभाग के इस आदेश के बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया और सबसे बड़ी बात यह है कि ये तमाम महाविद्यालयों के जो छात्र और छात्राएं थीं वो काफ़ी एकजुट थी, उनको कहीं से भी पुलिस का डर नहीं था, प्रशासन का डर नहीं था, वो सिर्फ एक ही बात कह रही थी कि जिस तरह से ये आदेश लिया गया है ठीक उसी तरीके से इंस्टेंटली इस आदेश को वापस लिया जाए। तो कुल मिलाकर स्थिति बहुत ही नेक, यानी एक तरह से पेंच फंस गया है, गौतम लगता है इस मसले पर तकनीकी पेंच फंस गया है। लेकिन चूंकि इस तरीके के आंदोलन को जेडीयू भी नहीं समझ पाई, आरजेडी भी नहीं समझ पाई और आरजेडी की तरफ के बाद जब भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे पर तमाम कार्यकर्ता हजारों की संख्या में पहुंचे और खास करके जब छात्राएं जेडी विमेंस की, पटना विमेंस की और मगध महिला की जब छात्राएं शामिल हुई, तो उनका साफ तौर पर यही कहना था कि आखिर अब हम जाएँ तो जाएँ कहाँ। सवाल ये उठता है कि अब हम कैसे बैकफुट पर जाएँ, मेरा 1 साल बर्बाद हो जाएगा अगर हम फिर से दाखिला लेते हैं। और ऐसे में सरकार को भी लगा, डिप्टी सीएम के साथ साथ तमाम बीजेपी के प्रवक्ता भी इस आंदोलन के साथी दिखे और जो 5 छात्राएं जो गिरफ्तार की गई थी उनको वापस लाया गया, तब जाकर के ये आश्वासन के बाद उप मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे कहा कि हाँ ये सरकार को पहले सोचना चाहिए था और जो सेशन में जो विद्यार्थी इस समय कॉलेज में दाखिला ले चुके हैं
उनको अब पास आउट होने तक इंतजार करना होगा और जो नया सेशन होगा उस सेशन में ये चीज़ें हो सकती है। तो कुल मिलाकर कॉलेज की पढ़ाई अभी कंटिन्यू रहेगी, अनवरत रहेगी और यही वजह है कि 3.5 घंटा के इस प्रदर्शन में तमाम छात्राओं की जो जीत हुई है, इससे इसके बाद होली का जो कह सकते हैं कि उमंग और तरंग देखने को मिला। सभी छात्र छात्राओं ने होली खेल कर इस आश्वासन के बाद यहाँ से रवाना हो गए अपने अपने घरों के लिए। चलिए, देखने वाली बात यह होगी समाधान सरकार अब इस मसले का कैसे निकालती है और छात्रों को कैसे संतुष्ट करती है। गौतम, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चुनावी माहौल में छात्रों का आंदोलन कहीं न कहीं सरकार के लिए परेशानी का सबब बनता नजर आ रहा है। इंतजार इस बात का है कि समाधान कैसे होगा। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।